सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूँ आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेके आ गई हूँ आपके लिए फार्मास्यूटिकल्स का एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जो कि है स्टेराइल फॉर्मुलेशंस। स्टेराइल फॉर्मुलेशन हम आज के टॉपिक में हमारा पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टेराइल प्रिपरेशंस, या हम कहें स्टेराइल फॉर्मुलेशंस या स्टेराइल डोजेज फॉर्म। सब जो हैं एक ही चीज़ हैं, सिनोनिम्स हैं, यानी पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। कि स्टेराइल प्रिपरेशंस है तो भी हमें वही पढ़ना है, स्टेराइल डोजेज फॉर्म आए तो भी हमें वही पढ़ना है, या फिर स्टेराइल फॉर्मुलेशंस आए तो भी वही पढ़ना है। तो इससे इसमें हम पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि स्टेराइल का मतलब क्या होता है। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्री फ्रॉम एनी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स आपकी ऐसी प्रिपरेशंस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो, वो उन्हें कहा जाता है स्टेराइल प्रिपरेशंस। मतलब जो भी हमारे डोजेज फॉर्म्स हैं, स्टेराइल प्रिपरेशंस में मेनली आते हैं हमारे पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स। अब पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको कि हम डायरेक्टली ब्लड में देते हैं, जैसे हम इंजेक्शन लेते हैं, ग्लूकोज की बॉटल लेते हैं, जिसको कि हम इन्फ्यूजन कहते हैं। ऐसी प्रिपरेशंस जो कि डायरेक्टली ब्लड में जाती हैं थ्रू इंजेक्शन, थ्रू इम्प्लांट्स, उसको हम कहते हैं पेरेंट्रल प्रिपरेशंस। अब ये जो पेरेंट्रल प्रिपरेशंस होती हैं, ये पूरी तरह से स्टेराइल होती हैं। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब कि जिसमें किसी भी तरह की कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स जो हैं सारे स्टेराइल होने चाहिए। अब क्यों होने चाहिए? उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स होते हैं आपके डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, और उसमें अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी पायरोजन प्रेजेंट होगा, तो वो आपको ठीक करने की जगह और ज़्यादा बीमार करेगा, ठीक है। तो जितने भी स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें स्टेरिलिटी टेस्ट पास होता है। स्टेरिलिटी टेस्ट मतलब ऐसा टेस्ट जिसमें चेक किया जाता है कि आपकी प्रिपरेशन में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट तो नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिक हमने स्टेराइल वर्ड का मीनिंग जान लिया, अब हम जानते हैं आगे स्टेराइल प्रिपरेशंस। स्टेराइल प्रिपरेशंस को स्टेराइल डोजेज फॉर्म भी कहा जाता है। इट इज़ अ जेनेरिक टर्म फॉर ऑल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड बायोलॉजिक्स दैट आर फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स। स्टेराइल प्रिपरेशंस या स्टेराइल डोजेज फॉर्म एक जेनेरिक टर्म है, मतलब एक ऐसा टर्म है जो कि सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, जिसमें किसी भी तरह का माइक्रो बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन नहीं होता। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं है, माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन बिल्कुल नहीं है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो, उसे आप कहोगे स्टेराइल प्रिपरेशन या फिर स्टेराइल डोजेज फॉर्म। स्टेराइल वर्ड का मीनिंग ही यही है कि उसमें किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होना चाहिए। द टर्म स्टेराइल, पेरेंट्रल, इंजेक्टेबल आर ऑल यूज इंटरचेंजेबली टू डिस्क्राइब दीज प्रोडक्ट्स। अभी सारे वर्ड्स, चाहे स्टेराइल हो, पेरेंट्रल हो, इंजेक्टेबल्स हो, ये सब एक ही वर्ड के पर्यायवाची हैं। आप इन सबको एक ही चीज़ के लिए यूज कर सकते हो, चाहे स्टेराइल प्रिपरेशन का हो, चाहे आप पेरेंट्रल प्रिपरेशंस का हो, चाहे आप इंजेक्टेबल्स का हो, सबका मीनिंग एक ही है कि इसमें किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होना चाहिए। In general, the term parenterals and injectables are interchangeable and have the same meaning. कभी कभी क्या होता है, parenteral और injectables दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। On the other hand, स्टेराइल डोजेज फॉर्म्स इंक्लूड, अब स्टेराइल डोजेज फॉर्म में कौन कौन सी प्रिपरेशंस आती हैं? इसमें आते हैं आपके पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स, जिसका दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, एज वेल एज दूसरे स्टेराइल प्रोडक्ट्स भी आते हैं आपके स्टेराइल प्रिपरेशंस में, जैसे कि हो गए आपके ऑप्थेलमिक प्रोडक्ट्स। अब ऑप्थेलमिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रिपरेशंस जिसको कि हम आई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आपको टर्म्स याद रखने हैं, आई के लिए जो प्रिपरेशंस यूज की जाती है उसे ऑप्थेलमिक प्रिपरेशंस कहते हैं, ठीक है, जो कि पूरी तरह से स्टेराइल होती है, वो भी स्टेराइल प्रिपरेशंस में आती हैं। वहीं अगर ईयर के लिए आप ड्रॉप्स यूज करते हो, ईयर के लिए कोई प्रिपरेशंस यूज करते हो, तो उसे ओटिक प्रिपरेशंस कहा जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि आई के प्रिपरेशंस को क्या कहते हैं, तो उसे ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन कहते हैं। ईयर प्रिपरेशंस को क्या कहते हैं, तो उसे ओटिक प्रिपरेशन कहते हैं। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, जिसमें से कई सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो ये जो ऑप्थेलमिक प्रिपरेशंस हैं, इसे हम डायरेक्टली आई में इंस्टिल करते हैं, चाहे वो ड्रॉप हो, ऑइंटमेंट,
हो, कुछ भी हो, तो आई में भी हम जो भी प्रिपरेशन यूज़ करेंगे वो भी कम्प्लीटली स्टेराइल होनी चाहिए। इसीलिए जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी स्टेराइल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के साथ साथ इरिगेटिंग सॉल्यूशंस, वूंड हीलिंग प्रोडक्ट्स, ये सब भी क्या है, स्टेराइल प्रिपरेशंस के एग्जांपल है। इरिगेटिंग सॉल्यूशन मतलब घाव को साफ करने के लिए जो हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो भी स्टेराइल सॉल्यूशन होना चाहिए। वूंड हीलिंग प्रोडक्ट्स, आपको कोई चोट लगे, वूंड मतलब घाव, उस घाव को भरने के लिए जो आप प्रिपरेशंस यूज़ करोगे वो भी स्टेराइल होनी चाहिए। आपको टर्म्स याद रखने हैं तो आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब पेरेंटल प्रिपरेशंस, पेरेंटल प्रिपरेशंस मतलब अभी हमने बोला पेरेंटल प्रिपरेशंस यूज करो या फिर इंजेक्टेबल वर्ड यूज करो, दोनों सेम है, ठीक है। तो पेरेंटल प्रिपरेशंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और रिवाइज करते हैं इसकी डेफिनेशन कि पेरेंटल एक ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। पैरा एंट्रॉन, कौन से ग्रीक वर्ड से आया है, पैरा एंट्रॉन। पैरा का मतलब होता है आउटसाइड, एंट्रॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो पेरेंट्रल का वर्ड में का मीनिंग हो गया आउटसाइड द इंटेस्टाइन, मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रिपरेशंस जो कि इंटेस्टाइन में नहीं जाती हैं, डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाती हैं, उन्हें कहा जाता है पेरेंट्रल्स। अब टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, टैबलेट हम लेते हैं वो हमारे स्टमक में जाती है, फिर इंटेस्टाइन में जाती है, फिर इफेक्ट आता है, ठीक है। तो टैबलेट कैप्सूल के अलावा ऐसे डोजेज फॉर्म्स जो कि डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, इंटेस्टाइन को बाईपास कर लेते हैं, आउटसाइड द इंटेस्टाइन हम जिसको देते हैं, डायरेक्टली ब्लड में देते हैं, उसको हम कहते हैं पेरेंट्रल प्रिपरेशंस, जो कि ग्रीक वर्ड से आया है पैरा एंट्रॉन, जिसका मतलब है आउटसाइड द इंटेस्टाइन। इट मीन्स ऐसी प्रिपरेशंस जिसे आप इंटेस्टाइन के बाहर से देते हो, डायरेक्टली ब्लड से देते हो, उन्हें कहा जाता है पेरेंट्रल प्रिपरेशंस। दीज आर यूनिक डोजेज फॉर्म्स as they are administered by injecting directly into the body tissues through the skin and mucous membrane. अब parenteral preparations जो हैं unique dosage form होते हैं, सबसे अलग dosage form होते हैं, क्योंकि हम directly इसको कहाँ देते हैं, body tissues में देते हैं। body tissues मतलब अलग अलग तरह के injections के route हमने पढ़े थे, intravenous देते हैं, intra arterial देते हैं, subcutaneous देते हैं, intramuscular देते हैं, ठीक है। means अलग अलग body tissues के through हम जो है directly अपने पेरेंटल प्रोडक्ट को इंजेक्ट करते हैं। अब वो स्किन के टिश्यूज में भी कर सकते हैं, म्यूकस में भी, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी कर सकते हैं। इसीलिए ये जो पेरेंटल प्रिपरेशन है इनको यूनिक डोजेज फॉर्म कहा जाता है। पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर स्टेराइल प्रिपरेशंस कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन, इन्फ्यूजन और इम्प्लांटेशन इन टू दी बॉडी। अब पेरेंटल प्रोडक्ट सबसे मेन कंडीशन है कि स्टेराइल होते हैं। इसमें आपका एक API भी हो सकता है, एक से ज़्यादा API भी हो सकता है। इसका रूट क्या रहता है, या तो आप इसको इंजेक्शन से दोगे, ठीक है, या तो आप इसको इन्फ्यूजन से दोगे। इन्फ्यूजन का बेस्ट एग्जाम्पल आप याद रखो ग्लूकोज की बॉटल। इन्फ्यूजन मतलब ऐसे प्रोडक्ट, पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो कि लंबे समय तक कंटिन्यूसली दिए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है तो पूरी ड्रिप एक साथ चढ़ाई जाती है ना, उसका क्वांटिटी ज़्यादा रहता है। तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स या तो आप इंजेक्शन के थ्रू दोगे, या इन्फ्यूजन के थ्रू दोगे, या फिर इम्प्लांटेशन के थ्रू दोगे बॉडी में। इम्प्लांटेशन मतलब बॉडी कैविटी में इंसर्ट करके थ्रू माइनर सर्जरी। दे आर पैक्ड इन आइदर सिंगल डोज और मल्टी डोज कंटेनर्स। अब डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कैसे की जाती है। उन्हें सिंगल डोज कंटेनर्स में भी पैक किया जाता है, उन्हें मल्टी डोज कंटेनर्स में भी पैक किया जाता है। डिपेंड करता है उनके वॉल्यूम के ऊपर, उनके यूज़ के ऊपर कि उसको कितना और कब कैसे यूज़ करना है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स, टाइप ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स, कितने तरह के पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं। पेरेंटल प्रोडक्ट अगर हम टाइप पढ़ें तो हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक हम वॉल्यूम के बेसिस पे पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू USP, ठीक है। एक ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम और दूसरा पढ़ेंगे स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम वॉल्यूम के बेसिस पे देखें तो पहला होता है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स, दूसरा होता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। SVP मतलब, SVP का मतलब होता है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स, और LVP का फुल फॉर्म होता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है,
स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल्स मतलब ऐसे पेरेंटरल्स, ऐसे इंजेक्टिंग प्रिपरेशंस जिसमें क्वांटिटी 100 ml होती है या 100 ml से भी कम होती है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल मतलब ऐसे पेरेंटरल्स जिसमें क्वांटिटी 100 ml से ज़्यादा होती है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स में मेनली फ्लूड्स होते हैं, कैलोरीज गिविंग फ्लूड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी के लिए, और इनका वॉल्यूम 100 ml से ज़्यादा होता है। मेनली आपको एक या दो डिफरेंस याद रखना है। पहला कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटरल्स ऐसी प्रिपरेशंस होती है जिसमें क्वांटिटी 100 ml या उससे कम होगी। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स में क्या होगा, जिसमें क्वांटिटी 100 ml से ज़्यादा होगी, जैसे कि आपकी इन्फ्यूजन बॉटल्स हो गई, ठीक है, ग्लूकोज बॉटल्स हो गई, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल्स। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टेट ऑफ प्रोडक्ट मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसका स्टेट क्या है, उसका कंडीशन क्या है। अब ज़रूरी नहीं है जितने भी पेरेंटरल्स हों वो सारे लिक्विड में हो, ठीक है, हो सकता है कुछ, हो सकता है नहीं, ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो पाउडर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अब उनको इंजेक्ट करने से पहले ही उसको लिक्विड या फिर एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्टली आप उसको एक्वस फॉर्म में मार्केट करते हो या प्रोडक्ट करते हो तो उसकी इतनी स्टेबिलिटी नहीं रहती। हम आगे सारे फॉर्म्स देखेंगे। अभी हमें ये समझना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ प्रोडक्ट्स कि पेरेंटल्स के कितने टाइप रहते हैं। तो पहला जो रहता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ प्रोडक्ट, तो पहला रहता है इंजेक्शन, जो कि सबसे कॉमन है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट्स है, किसी को बहुत ज़्यादा फीवर है, किसी को टैबलेट कैप्सूल से आराम नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन सबसे कॉमन फॉर्म है पेरेंटल्स का। इंजेक्शंस क्या होते हैं, इंजेक्शंस कंटेन स्टेराइल सॉल्यूशंस, इंजेक्शंस स्टेराइल सॉल्यूशंस होते हैं एंड आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड अदर सब्सटेंसेस इन वाटर फॉर इंजेक्शन। वाटर फॉर इंजेक्शन को आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हो, ठीक है, WFI। तो इंजेक्शंस क्या होती हैं, इंजेक्शन स्टेराइल प्रिपरेशंस होती हैं, जिसको कैसे बनाया जाता है, जो भी आपका API है और जो भी दूसरे सब्सटेंसेस हैं उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है वाटर फॉर इंजेक्शन में, या फिर किसी दूसरे नॉन एक्वस बेस में, या फिर आप दोनों का मिक्सचर भी ले सकते हो, वाटर फॉर इंजेक्शन और नॉन एक्वस दोनों। अब ये जो आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ है, इस सॉल्यूशन को आप इंजेक्ट करते हो। द सॉल्यूशन टू बी इंजेक्टेड शो सेडिमेंट्स विच कैन बी डिस्पर्स इजिली बाय शेकिंग द कंटेनर। कई बार क्या होता है, जो इंजेक्शन आप लेते हो उसमें नीचे सेडिमेंट जमा हो जाता है, लेकिन वो सेडिमेंट वो मतलब हार्ड नहीं होता। आप उसको अगर रीशेक करते हो तो वापस पहले जैसे फॉर्म में आ जाता है। तो जो भी सॉल्यूशन आप इंजेक्ट करते हो उसमें जो भी सेडिमेंट्स रहते हैं वो इजीली शेक करने पे रीडिस्पर्स हो जाते हैं। जो सस्पेंशन आप बनाते हो वो भी स्टेबल रहता है जब तक कि आप उसको पेशेंट में इंजेक्ट ना कर दो। और जो सस्पेंशंस आप बनाते हो इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में वो बिल्कुल होमोजेनियस रहते हैं, ठीक है। जब भी आप उसको कंटेनर से निकालोगे वो बिल्कुल आपको होमोजेनियस मतलब जैसे उसको बनाया गया था वैसे ही मिलते हैं। इट मीन्स इंजेक्शंस जो बनते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में भी बनते हैं, ठीक है, सस्पेंशन फॉर्म में भी बनते हैं। डिपेंड करता है आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर कि आपने किस मेथड से अपनी प्रिपरेशन को बनाया है। तो सबसे पहला स्टेट ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से स्टेराइल प्रिपरेशंस में आता है आपका इंजेक्शंस। इंजेक्शंस क्या होते हैं, स्टेराइल सॉल्यूशंस होते हैं, जिसको कैसे बनाया जाता है, जो भी आपका API और दूसरा सब्सटेंस है उसको मिक्स कर दिया जाता है, या तो वाटर फॉर इंजेक्शन में या फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट में या फिर दोनों के मिक्सचर में। अब ये जो सॉल्यूशन बनता है इसको जब आप इंजेक्ट करते हो तो उससे पहले अच्छे से शेक कर लेते हो, ताकि जो भी इसमें नीचे सेडिमेंट जमा हुआ है वो रीडिस्पर्स हो जाए। जो भी सस्पेंशन है वो होमोजीनियस रहता है, उसमें किसी भी तरह का कोई केक फॉर्मेशन नहीं रहता। अब ये वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, वाटर फॉर इंजेक्शन, ऐसा वाटर जिसको कि इंजेक्शंस बनाने के लिए यूज किया जाता है उसको कहते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन। ये भी पूरी तरह से स्टेराइल रहता है, ठीक है, इसमें किसी भी तरह की माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं रहती, इसे भी एक स्पेशल मेथड से बनाया जाता है, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इंजेक्शन के बाद इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मैं शुरू से ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। इन्फ्यूजन के लिए याद रखो आप जो ग्लूकोज की बॉटल लगती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन क्या है, दीज आर पेरेंटरल प्रिपरेशन विच आर कम्पोज ऑफ स्टेराइल एक्वस सॉल्यूशन विद वाटर एज इट्स कंटिन्यूस फेस। इन्फ्यूजन मतलब ऐसी पेरेंटरल प्रिपरेशन होती हैं जो कि स्टेराइल होती हैं और जिनका कंटिन्यूस फेस जो है वाटर ही होता है।
ऊपर क्या था, आप वाटर फॉर इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते थे, नॉन एक्वस भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन इन्फ्यूजन में क्या रहता है, जो कंटिन्यूस फेज रहता है वो वाटर ही रहता है। दीज प्रिपरेशन आर फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स और पायरोजेंस एंड आर मेड आइसोटोनिक विथ ब्लड। ये जो इन्फ्यूजन्स होते हैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, चाहे वो एंडोटॉक्सिन हो, पायरोजन हो। और ये जो इन्फ्यूजन प्रिपरेशंस हैं इनको आइसोटोनिक बनाया जाता है विथ ब्लड। आइसोटोनिक मतलब आपके ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेम वही ऑस्मोटिक प्रेशर इन प्रिपरेशंस का रखा जाता है, ताकि जब ये आपके बॉडी में जाए, आपके ब्लड में जाए, तो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। अगर इन प्रिपरेशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग होगा आपके ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो होता है क्या, हो सकता है कि आपके सेल्स या तो बर्स्ट हो जाएं या तो सेल्स श्रिंक हो जाएं। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस अच्छी नहीं रहती हैं, ना ही हाइपरटोनिक ना ही हाइपोटोनिक। इसीलिए जो भी प्रिपरेशंस बनाई जाती हैं वो आइसोटोनिक बनाई जाती हैं, मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है आपके ब्लड का, ताकि वो प्रिपरेशंस जब आपके ब्लड में जाएं तो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। दे डू नॉट कंटेन एनी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। जो इन्फ्यूजन प्रिपरेशंस होती हैं उसमें किसी भी तरह का एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है पाउडर फॉर इंजेक्शन, जिसकी मैं बात कर रही थी। मैंने बोला सारी प्रिपरेशंस लिक्विड फॉर्म में नहीं रहती हैं पेरेंटल्स की, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी रहती हैं, जिसको कि हम डायरेक्टली यूज़ करने से पहले सॉल्यूशन फॉर्म में चेंज करते हैं, तो वही है ये, दैट इज़ पाउडर फॉर इंजेक्शंस। ऐसे पाउडर्स जिनको कि इंजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है उन्हें कहते हैं पाउडर फॉर इंजेक्शंस। दीज आर स्टेराइल सॉलिड कंपाउंड्स, ये स्टेराइल होते हैं, पूरी तरह से सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं, दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर फाइनल वॉल्यूम व्हेन द वायल और कंटेनर इज शेकन टू फॉर्म अ क्लियर पार्टिकल फ्री सॉल्यूशंस। ये क्या रहते हैं, स्टेराइल सॉलिड कंपाउंड्स रहते हैं। इसको जब भी हम यूज़ करते हैं उससे पहले हम इसको फाइनल वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। जो भी वायल, जो भी कंटेनर जिसमें कि आपका पाउडर प्रेजेंट है उसमें आप सॉल्यूशन डालते हो, फाइनल वॉल्यूम में उसको मेकअप करते हो, वॉल्यूम अच्छे से शेक करते हो, क्लियर पार्टिकल फ्री सॉल्यूशन बनाते हो, उसी के बाद आप उसको पेशेंट्स में इंजेक्ट करते हो, उसे कहते हैं पाउडर फॉर इंजेक्शन। नेक्स्ट आता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस फॉर इंजेक्शंस। मीन्स सॉल्यूशन तो है लेकिन वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, जब आप उसको इंजेक्ट करोगे तो उससे पहले आप उसको डायल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं जिसको भी डायल्यूट किया जाता है वाटर के साथ इंजेक्शन देने से पहले, उसे कहा जाता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शंस। दे आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंजेक्शन और थ्रू आईवी इन्फ्यूजन। ये जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं इसे आप दो तरीके से देते हो, या तो आप डायरेक्टली इंजेक्शन से भी दे सकते हो या फिर आईवी इन्फ्यूजन से भी दे सकते हो, लेकिन इनको देने से पहले आपको डायल्यूट करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं आपके इंजेक्टेबल इमल्शंस। ठीक है, ऐसी प्रिपरेशंस, ऐसे इमल्शंस जिसको कि आप इंजेक्ट करते हो पेशेंट्स की बॉडी में, लेकिन वो ना सॉल्यूशन है ना सस्पेंशन है, लेकिन किस फॉर्म में है, इमल्शन है। इमल्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इंजेक्टेबल इमल्शंस क्या होते हैं, दीज आर लिक्विड प्रिपरेशंस इन विच द ड्रग सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व्ड और डिस्पर्स्ड इन अ सूटेबल इमल्शन मीडियम। अब इसमें क्या है, आपकी ड्रग जो है या तो डिजॉल्व है या तो डिस्पर्स्ड है, किसमें, एक सूटेबल इमल्शन मीडियम में। दीज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स। मेनली इंजेक्टेबल इमल्शंस किसके बनाए जाते हैं, फैटी एसिड के, विटामिन्स के। इनके क्या बनाए जाते हैं, इमल्शन फॉर्म के इंजेक्टेबल्स बनाए जाते हैं, जिसे डायरेक्टली पेशेंट में इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑयली इंजेक्शंस। यस, ऑयल के इंजेक्शंस भी आते हैं, ऑयली इंजेक्शंस भी आते हैं। मेनली इनको बनाया जाता है पेरेंट्रल कंट्रोल्ड रिलीज डोजेज फॉर्म के लिए। अब पेरेंट्रल कंट्रोल्ड रिलीज डोजेज फॉर्म क्या हो गया, मीन्स कोई आपकी प्रिपरेशन है, कोई आपको डोजेज फॉर्म है, उसका आपको असर लंबे समय तक चाहिए और कंट्रोल्ड मैनर में चाहिए। मतलब आप चाहते हो कि 8 घंटे तक उसका रिलीज होता रहे। ठीक है, तो ऐसी प्रिपरेशन जिसका कि आपको रिलीज कंट्रोल्ड चाहिए उसको ऑयली इंजेक्शंस के फॉर्म में बनाया जाता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स किसके, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स का क्या क्या स्टेट रहता है, तो उसके हिसाब से क्या क्या उसके टाइप से।
अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल्स कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो कोई अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, मतलब कोई बेहोश पेशेंट है, आप उसको ना टैबलेट दे सकते हो, ना कैप्सूल दे सकते हो, ना सिरप दे सकते हो, आप उसको इंजेक्शन दे सकते हो। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप अनकॉन्शियस पेशेंट्स में इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा, एमरजेंसी कंडीशंस है, इमरजेंसी कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तीसरा, अगर कोई पेशेंट को टैबलेट कैप्सूल लेने में दिक्कत आ रही है, बार बार बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रहा है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे कई तरह के एडवांटेजेस हैं, वन बाय वन हम सारे देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स बाईपास प्री सिस्टमिक और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड द ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक। इसी में आपको दो पॉइंट बता दिए। पहला बताया है कि आपका जो पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करते हैं। इट मीन्स आपकी ड्रग जो है डायरेक्टली ब्लड में जाती है, लिवर में नहीं जाती, ठीक है, वहाँ पे जाके मेटाबॉलिज्म नहीं होता इसका। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पेरेंटल प्रोडक्ट बाईपास कर लेते हैं, डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, ये पहला इनका एडवांटेज है। दूसरा है कि इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो तुरंत आता है, ठीक है, इनका एक्शन तुरंत आता है। टैबलेट कैप्सूल में क्या होता है, वो आपकी बॉडी में जाएंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे, डिजोल्व होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, फिर एक्शन आएगा। पेरेंटल इसमें डायरेक्टली आपके ब्लड में जाएगी, ड्रग एब्जॉर्ब होगी और तुरंत एक्शन आएगा। सेकेंड एडवांटेज क्या है, द ड्रग्स विच कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ओरली कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। ऐसी ड्रग्स जिसको कि आप ओरली नहीं दे सकते, उनको आप पेरेंटल रूट के थ्रू दे सकते हो। थर्ड है, द पेशेंट्स हु आर वॉमिटिंग, ठीक है, और अनकॉन्शियस कैन नॉट टेक ड्रग बाय ओरल रूट। इन सच केसेस द ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। अब ऐसे पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, जैसे ही आप कुछ भी खिला रहे हो पिला रहे हो, दवाई दे रहे हो, उनको वॉमिट हो रहा है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी सर्जरी हुई होती है, वो कुछ नहीं खा पी पाते, उनको वॉमिट होता रहता है। कुछ अनकॉन्शियस पेशेंट्स रहते हैं, बेहोश रहते हैं, उनको आप ओरल रूट से दवाई नहीं दे सकते। तो ऐसे सारे पेशेंट्स को आप पेरेंटल रूट से ड्रग दवाई दे सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेज है, द ड्रग एक्शन कैन बी प्रोलॉन्ग्ड बाय मॉडिफाइंग दी फॉर्मुलेशन। अगर आप अपनी फॉर्मुलेशन को मॉडिफाई कर लेते हो तो आपका जो ड्रग का एक्शन है वो भी लंबे समय तक आता है। मतलब आपको बार 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 दवाई नहीं लेनी पड़ती। अगर एक ही बार आपने फॉर्मुलेशन ले लिया, उसका प्रोलॉन्ग लंबे समय तक इफेक्ट आ रहा है, तो आपको बार बार दवाई नहीं लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है, दिस रूट कैन डिलीवर ट्रांसफ्यूजन फ्लूड्स कंटेनिंग न्यूट्रिटिव्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम क्लोराइड। अब पेरेंटल रूट से क्या होता है, आपको ट्रांसफ्यूजन फ्लूड्स मतलब ऐसे फ्लूड्स, ऐसे सब्सटेंसेस मिलते हैं जिसमें न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। कोई पेशेंट है, उसको वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा फीवर के टाइम, ठीक है, उसके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं, तो बार 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 ORS या इलेक्ट्रोलाइट का घोल देने के बजाय आप उसको एक बॉटल लगा सकते हो ग्लूकोज की, जिससे उसके सारे लॉस्ट न्यूट्रिशन उसको वापस मिल जाते हैं। तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स के ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि हर चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होते हैं। ऐसे ही पेरेंटल प्रिपरेशंस भी हैं जिसके कुछ लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है कि आप जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हो वहाँ पे पेन हो जाता है, ठीक है, पेन हो जाता है जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगता है। दूसरा, पेरेंटल प्रोडक्ट्स पेशेंट खुद से नहीं ले सकता, ट्रेन्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। इट मीन्स आपको डॉक्टर की ज़रूरत होगी, नर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, आप खुद से इंजेक्शन नहीं लगा सकते, आप खुद से बॉटल नहीं लगा सकते, आप खुद से IV नहीं लगा सकते, है ना। तो ट्रेन्ड पर्सन की ज़रूरत होती है जब भी हमें ड्रग लेनी हो या डोज लेना हो। टैबलेट कैप्सूल आप खुद से ले सकते हो, लेकिन पेरेंटल प्रोडक्ट्स आप खुद से नहीं ले सकते। थर्ड, इसका डिसएडवांटेज है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू रॉन्ग रूट ऑफ इंजेक्शन में प्रूफ फैटल। अब पेरेंटल जो रूट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, हमने पढ़ा था IV होता है, सबक्यूटेनियस होता है, इंट्रा मस्कुलर होता है, इंट्रा आर्टेरियल होता है, इंट्रा थीकल होता है। तो अगर आपने किसी रॉन्ग रूट से एडमिनिस्टर कर लिया, ठीक है, तो वो आपके लिए घातक हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। जो रूट जिस ड्रग के लिए बना है आपको उसी रूट से इंजेक्शन देना होता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपने गलत रूट से इंजेक्शन दे दिया तो वो घातक हो सकता है।
नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेव अ पेशेंट व्हेन ओवर डोज इज गिवन। अगर आपने ओवर डोज दे दिया पेरेंटल के थ्रू तो पेशेंट्स को बचाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने टैबलेट कैप्सूल में ओवर डोज दे दिया तो पेशेंट को आप वॉमिट करा के वो ओवर डोज कम कर सकते हो, है ना। ऐसी दवाइयाँ दे सकते हो, ऐसी चीज़ें दे सकते हो जिससे उसको वॉमिट हो जाए तो ओवर डोज कम हो सकता है। लेकिन अगर आपने पेरेंट्रल्स में ओवर डोज दे दिया और वो तुरंत ब्लड में चली गई, तुरंत एब्जॉर्ब हो गया, तो आप उस पेशेंट को नहीं बचा सकते, है ना। नेक्स्ट है, देर आर चांसेस ऑफ सेंसिटिविटी रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन ऑफ अ ड्रग बाय एन इंडिविजुअल। दीज रिएक्शंस आर समटाइम्स फैटल एंड लीड टू डेथ। अब पेरेंटल्स में बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ कि डायरेक्टली ब्लड में दिया जाता है, ब्लड में दिया जाता है। तो अगर आपने कोई प्रिपरेशन किसी पेशेंट को बॉटल में डायरेक्ट ब्लड में दे दी, और कई पेशेंट्स में क्या होता है, हर एक पेशेंट अलग होता है, ठीक है, हर एक पेशेंट की रिएक्टिविटी भी अलग होती है। तो किसी पेशेंट में क्या होता है, कोई की प्रिपरेशन एलर्जी कॉज कर देती है, सेंसिटिविटी कॉज कर देती है। तो ये जो सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शंस होती है, कई बार बहुत ज़्यादा घातक होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स की डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, इसलिए पेरेंटल्स को हमेशा ट्रेन्ड पर्सन्स, डॉक्टर्स, नर्सेस के सजेशन से ही यूज़ करना चाहिए। अब इन पेरेंटल प्रिपरेशंस की फॉर्मुलेशंस क्या होती हैं, क्या इनकी इजेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी प्रिपरेशन की, वो हम देखते हैं। तो इजेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है फॉर्मुलेशन के लिए, द फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशंस नीड केयरफुल प्लानिंग। आप जब भी पेरेंटल प्रिपरेशंस बनाना चाहते हो, उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। थॉरो नॉलेज ऑफ मेडिकामेंट्स, जो भी आप ड्रग्स और मेडिकामेंट्स और एडिटिव्स यूज़ कर रहे हो, उसका कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए। द एक्सेस यूज ऑफ एडिटिव्स इन पेरेंटल प्रोडक्ट्स शुड बी अवॉइडेड एज सम ऑफ दीज में इंटरफेयर विद दी ड्रग। अब जो प्रिपरेशंस बनती हैं पेरेंटल प्रिपरेशंस, उसमें आप ड्रग भी यूज़ करते हो, एडिटिव्स भी यूज़ करते हो, ठीक है। उस ड्रग और एडिटिव्स का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आप एडिटिव्स यूज़ करते हो, वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सेस में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एडिटिव्स हैं, ये आपकी ड्रग के एक्शन में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। तो इन द प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर एडेड टू मेक अ स्टेबल प्रिपरेशन। अब जब आप पेरेंटल प्रिपरेशंस बनाते हो, तो क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स। व्हीकल्स मतलब कैरियर, जिसमें आपकी ड्रग जो है सॉल्यूबल रहेगी, ठीक है, सस्पेंडेड रहेगी, इमल्सिफाइड रहेगी, जो भी फॉर्म आप बनाना चाहो, ठीक है। तो व्हीकल मतलब कैरियर, जो कि आपकी ड्रग को आपकी बॉडी में पहुंचाएगा। दूसरे रहेंगे आपके एडिटिव्स। एडिटिव्स मतलब एक्सीपिएंट्स, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। एडिटिव्स मतलब ऐसी मटेरियल्स अदर देन द ड्रग, ठीक है। आपकी बॉडी में एक्शन जाके कौन देता है, ड्रग। फॉर एग्जाम्पल, आपको फीवर हो गया, ठीक है, आपने पैरासीटामोल की टैबलेट ली, वो पैरासीटामोल की टैबलेट कितने डोज की थी, वो थी 500 mg की, ठीक है। इट मीन्स उसमें 500 mg क्या है, पैरासीटामोल है, और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या है, एडिटिव्स हैं, एक्सीपिएंट्स हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ें यानी कि अदर देन दी ड्रग, जो दूसरी चीज़ें होती हैं आपके प्रिपरेशंस में, उसे हम कहते हैं एडिटिव्स। तो ऐसे ही पेरेंटल प्रिपरेशंस में भी हम कई तरह के एडिटिव्स यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉल्यूबलाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं ड्रग को सॉल्यूबल करने के लिए, स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं आपकी प्रिपरेशन को स्टेबल बनाने के लिए, बफरिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन का पीएच मेंटेन रहे, पीएच बार बार उसका फ्लक्चुएट ना हो। अगर उसका पीएच मेंटेन रहेगा, बार बार फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो आपकी प्रिपरेशन स्टेबल रहेगी। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स यूज़ करते हैं ताकि किसी भी तरह की माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो। कीलेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स बन सके और आपकी प्रिपरेशन जो है सॉल्वेंट फॉर्म में रहे। इसके साथ साथ यूज़ करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, वेटिंग एजेंट्स, ठीक है, और यूज़ करते हैं कई टोनिसिटी फैक्टर्स ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आइसोटोनिक रहे। अभी मैंने आइसोटोनिक का मीनिंग आपको बताया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।